श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा, जिनके उपायों का आज पूरे संसार में, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, जिसने भी अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए भोलेनाथ को मनाया, इनके उपाय किए, वह व्यक्ति की सारी समस्याएं अपने आप दूर होती चली गई, ये आप सभी जानते ही होंगे। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, मैंने प्रयास किया है पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के द्वारा सुनकर, वो कई लोगों की गुजारिश थी कि आप ये वीडियो बनाकर डालें, जिससे हमको उसके बारे में डिटेल्स मालूम पड़ सकें। हम और अधिकांश लोग इस कार्य को कर चुके हैं, इस उपाय को कर चुके हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम करते तो हैं लेकिन कोई त्रुटि हो जाने के वजह से, जिस कार्य के लिए हमने किया है वह कार्य हमारा सफल नहीं हो पाता है। तो इसलिए आज मैं पूरा आपको डिटेल्स देने जा रही हूँ एक ऐसे उपाय के बारे में कि जिसके बारे में कोई संशय है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। वह यदि आपने कर लिया और जिस भी कार्य को पूरा करने के लिए, जिस भी कार्य में सफलता पाने के लिए किया है, वह कार्य अवश्य आपका पूरा होगा, ये मुझे विश्वास है। आप लोगों के विनय पर ही मैं यह वीडियो बना रही हूँ। आप शुरू से अंत तक अवश्य देखें, और जिनने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अवश्य कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, और जिनको इस उपाय की जानकारी की आवश्यकता है उसके साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि इससे दुआएं आपको ही मिलनी है। दोस्तों, भगवान शिव, जो फरवरी का महीना है, 2023 का फरवरी का महीना है, पूरा भगवान शिव को ही समर्पित है, क्योंकि इसी माह में भोलेनाथ की महाशिवरात्रि आने वाली है। और बहुत ही सुंदर संयोग, सोमवार को, दो सोमवार को फरवरी के महीने में अष्टमी पड़ रही है, जो अपने आप में एक बहुत ही सुखद संयोग लेकर आती है। कहते हैं जब सोमवार को अष्टमी पड़ती है, तब आप यदि कोई उपाय करते हैं तो पूर्ण रूप से जिस भी मनोकामना के लिए किए हैं वह मनोकामना आपकी पूर्ण होती है, सफल होते हैं आप। इसलिए फरवरी का महीना पूरा महादेव को समर्पित है, और आप यह उपाय, यदि आप कोई बहुत बड़ी समस्या से ग्रस्त हैं या छोटी सी भी समस्या आपके जीवन में है, तो आप यह उपाय अवश्य करें। भगवान शिव के प्रिय व्रतों में से एक व्रत होता है पशुपति व्रत। इस व्रत का नाम शायद सभी लोगों ने सुन के रखा होगा, कई लोग कर भी रहे होंगे। ये बहुत ही लाभकारी व्रत है। शास्त्रों के अनुसार पशुपति व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है और हर इच्छा पूरी हो जाती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा कर्ज के नीचे दबा हुआ है, या किसी का वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा, यदि दाम्पत्य जीवन में रहते बहुत समय निकल गया, बच्चे नहीं हैं, संतान प्राप्ति नहीं हुई है, तो भी इस व्रत को, यानी कहने का मतलब यह है कि आप जिस भी मनोकामना के लिए करते हैं, ये व्रत आप विधि विधान से और पूरी तरीके से सही उससे करते हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। ये व्रत बहुत ही आसान है। सभी व्रतों के मामले में यदि आप देखा जाए तो, यदि ये व्रत कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ही सरल है, बहुत आसान है। इसे रखने के लिए कोई शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई खास दिन देखने की आवश्यकता नहीं है। कैसे रखा जाता है पशुपति व्रत और इसके नियम क्या है, मैं आज आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ, आप अवश्य देखें। इस व्रत को आप किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष कभी भी शुरू कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि इस व्रत को करने के लिए आपको सोमवार का दिन ही आवश्यक है। अगर मन के मुताबिक फल पाना चाहते हैं तो इस व्रत को आपको विधि विधान के साथ करना चाहिए, और 5 सोमवार तक लगातार करना है इस व्रत को, तभी इस व्रत का पूर्ण फल आपको मिलता है। हर व्रत की तरह इस व्रत के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे भगवान शिव के मंदिर में जाना है, उनका अभिषेक करना है, उन्हें बिलपत्र चढ़ाना है, पंचामृत चढ़ाना है। आप जिस सोमवार से शुरू कर रहे हैं आप जाएं, और थाली आपको कैसे लगाना है, थाली में आप जो भी भोलेनाथ को समर्पित होता है वो सारी सामग्री रखें, दूध, दही, घी और शहद, शक्कर। अभिषेक करना चाहते हैं तो उसकी सामग्री, गंगा जल, जो आपको लगता है कि आपको भोलेनाथ को समर्पित करना है, एक कोई फल रख के ले जाएं तो भी बहुत अच्छा है।
बेलपत्र शमी पत्र तो रखना ही चाहिए, इस प्रकार आप ले जाएं। और सामग्री आप जो अक्षत वगैरह रखते हैं थोड़ा ज्यादा मात्रा में रखें, क्योंकि आगे बताऊंगी कि क्यों ज्यादा मात्रा में रखें। अभी आपने जैसे थाली लगा ली और थाली में थोड़ा सा कपूर अवश्य रख कर ले जाएं, क्योंकि जो भोलेनाथ की आरती होती है कपूर से करते हैं। यदि आप भोलेनाथ को कपूर की आरती सबसे ज्यादा प्रिय होती है, आप ध्यान रखें यदि कपूर से करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। आप जाएं शिवालय जाएं और जाकर सबसे पहले संकल्प छोड़ें, थोड़े से अक्षत हाथ में ले, जल हाथ में ले और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि मैं इस कामना से ये व्रत ले रही हूँ या ले रहा हूँ और मेरी ये मनोकामना, मेरी इच्छा अवश्य आप पूरी करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। उसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में आप अभिषेक करें, पूजन करें, जैसे भी करते हैं आप करें, और आप वहाँ थाली लेकर वापस घर आ जाएं। प्रयास करें आप जब मंदिर जाएं, शिवालय जाएं, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। जब तक आप पूजन करते हैं तब तक भी जाप करें, और घर आकर रास्ते में आप जब घर आते हैं तब भी मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आएं। घर आ जाएंगे आप, अब आपको चाहे आप फलाहार ले सकते हैं। प्रयास करें कि नमक का खाना आपको नहीं लेना है, क्योंकि खाना इस व्रत में शाम को ही खाना होता है, शाम की पूजन के बाद खाना होता है। इसलिए आप सिर्फ फलाहार ले सकते हैं, चाहे फल ले लें, चाहे और जो भी आपको फलाहार के रूप में लेना है ले सकते हैं। अब शाम की पूजन आप सूर्यास्त से पूर्व भी कर सकते हैं और सूर्यास्त के आधे घंटे बाद तक भी करते हैं तो श्रेष्ठ होता है। आपको वही थाली जो आपने सुबह पूजन की थाली ली है, आपने वही थाली लेके जाना है। आप उससे पहले अपने घर में अपने हाथों से आप व्रत कर रहे हैं, आप मीठा बनाएं और इतनी मात्रा में बनाएं कि इसको तीन जगह आपको विभाजित करना होगा, तीन जगह बांटना होगा। इसलिए इस इतनी मात्रा में आपको मीठा ही बनाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसे रख लें और चाहे आप डिस्पोजल या कोई भी ऐसे उसमें ले जाएं कि आपको दो जगह मंदिर में रख के आना होगा, दो प्रसाद के हिस्से आपको मंदिर में रखना है, एक आपको साथ में लेके आना होगा। थाली में 6 दीपक रखें शुद्ध घी के, आप थाली लेकर जाएं, फिर से प्रभु की पूजन करें, भोलेनाथ की पूजन करें। और चाहे आप शाम की पूजन में दही और दूध ना चढ़ाएं, क्योंकि सुबह की सवे आप चढ़ाते हैं उसके बाद जल समर्पित हो जाता है, लोग सभी जल चढ़ाते हैं तो साफ हो जाता है, नहीं तो शाम की समय दूध और दही ना चढ़ाएं। आप गए, आपने पूजन किया, जैसे भी आपने को पूजन करना है, आपने जो प्रसाद ले गए थे उसके 3 हिस्से करें, एक हिस्सा आपने अपनी थाली में रख लिया, 2 हिस्से वहीं छोड़कर भोलेनाथ के समीप नज़दीक छोड़कर, और जो 6 दीपक ले गए हैं उसमें से 5 दीपक प्रज्वलित करना है। 1 दीपक आप अपने घर लेकर आए बिना प्रज्वलित करे हुए, आए घर आए, जो आपके घर का बाहर से राइट हैंड होता है उस पर वो दीपक प्रज्वलित करें, और अपने मन की कामना करते हुए दीपक को प्रज्वलित करके आप घर के अंदर प्रवेश कर जाएं। प्रयास करें कि आप मंदिर से आधे घंटे के आने के आधे घंटे बाद तक आप प्रसाद भी ग्रहण कर लें और भोजन कर लें। वह प्रसाद आपको किसी को घर में किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना है, किसी को नहीं देना है। पहले आप प्रसाद ग्रहण करें और वहीं बैठ के आप अपना भोजन कर लें। ये हो गया आपका एक बार का व्रत। इसी प्रकार आपको 5 व्रत करना है, लेकिन जो अंतिम सोमवार हो रहेगा आपका उसमें आप शाम के समय एक नारियल और दक्षिणा के 11 रुपये मूली से बांध लें और यह ले जाएं। उसके बाद आप 108 बेलपत्र मिल जाएं तो बेलपत्र ले जाएं। यदि बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो आप मूंग के दाने, चावल के दाने यानी अक्षत, साबुत अक्षत के दाने ले जाएं और वहां समर्पित करके अपने मन की कामना करें। फिर आप 1 दीपक बचा कर लेके आएं और अपने घर के बाहर रखें। घर आकर आप भोजन करें, पहले प्रसाद ग्रहण करें, आपका पशुपति व्रत पूरा हो गया। आप जो भी मन की इच्छा करते हैं वो 5वें सोमवार के दिन जब आप नारियल भोलेनाथ पर समर्पित करते हैं उस समय आप प्रयास करें कि उसी समय आपको वह कामना करनी है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कामना, आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, जिस दिन आपका पशुपति व्रत होता है आप बाहर का किसी दूसरे के यहाँ का भोजन ग्रहण ना करें। यदि बहुत जरूरी ही हो जाए, आवश्यक ही हो जाए कि आपको कहीं जाना पड़े तो आप उस दिन का व्रत
एक टाइम भोजन करें लेकिन व्रत नहीं मान्य होगा। उसी प्रकार यदि आप स्त्री हैं और मासिक धर्म में होती हैं तो आप उस दिन का व्रत तो करेंगे, एक टाइम भोजन करेंगे लेकिन पूजन नहीं करेंगे, वो व्रत गिनने में नहीं आएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा, यानी उसके हिसाब से आपका व्रत आगे और भी बढ़ जाएगा। ये सब बातों को ध्यान रखते हुए आप व्रत करते हैं तो आपका व्रत अवश्य जिस भी कामना से किया गया है वह पूरा होगा। यदि आपको कोई दूसरी बात फिर से शुरू करना है पशुपति व्रत, तो आप बीच में फिर उसके बाद एक दो सोमवार छोड़ दें, उसके बाद आप फिर से व्रत ले सकते हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें, जैसे सोमवार के दिन यदि ग्यारस भी पड़ रही, एकादशी पड़ रही, या प्रदोष व्रत पड़ रहा है, या कोई दूसरा व्रत जो आप करते हैं, तो आपका वह पशुपति व्रत मान्य नहीं होगा, क्योंकि वह व्रत दूसरा व्रत आपने रखा हुआ है उसके साथ साथ, यानी आप कहने का मतलब ये है कि आप एक साथ दो व्रत मान्य नहीं होंगे। ये सब ध्यान रखें। आशा है कि जो आप पशुपति व्रत के बारे में पूरी जानकारी चाहते थे मुझसे, मैंने देने का प्रयास किया है, और आप अवश्य एक बार जो भी कामना से करें, करना चाहते हैं, विश्वास करके करें, आप देखना आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। आप पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।